काफ़ी टाइम हुआ है, 8 बज चुके हैं और मैंने अपनी सारी क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि आज का जो मेरा रूटीन है उस पर मैं करने वाली हूँ। ये जो मैं कल रात को मंडी गई थी वहाँ से सब्जियाँ लेकर आई थी, इन्हें मुझे अच्छे अच्छे से धो करके फ्रिज में रखना है। इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप चाहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि किस तरीके से सब्जियों को 7 दिन तक अच्छे से रखा जा सकता है, उसकी प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पर है। और मैं ग्रॉसरी का जो सामान है आधा लेके आई थी कल, और आधा मुझे आज रिलायंस फ्रेश से लेके आना है, तो उसके वो वाला काम मुझे आज करना है। आज की रूटीन में मेरा ये रहेगा कि सब्जियों को अच्छे से रखना है और जो सामान मैं लेके आई हूँ ग्रॉसरी का वो मुझे भरना है, क्योंकि वैसे मैं ये व्लॉग बना चुकी हूँ, अपने चैनल पर मेरा ये व्लॉग आ चुका है। बट दीपिका जी ने मुझे बोला था कि सामान लाने के बाद उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, तो इसके लिए मैं आज फिर से आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरीके से मैं सामान को रखती हूँ, सामान लाने के बाद किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ये वाला भी मुझे आज रूटीन करना है। फिर मुझे शाम को जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे तो रिलायंस फ्रेश से शॉपिंग करने भी जाना है, तो इस वजह से आज पूरे दिन मेरा यही रहेगा। और साथ ही मुझे डिनर की तैयारी भी करनी है, क्योंकि 2 दिन से हम बाहर खा रहे हैं, तो आज मैं संडे होने के बावजूद भी डिनर जो है घर पर ही बनाऊँगी। तो बस आज मेरा यही सब रहेगा, क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, तो बस अब मैं ये करने वाली हूँ। तो ये देखिए, इस बार मैं मंडी से बस इतना ही लेके आई हूँ, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है तो कुछ ज़्यादा अच्छी सब्जियाँ नहीं मिल रही हैं, तो बस आलू लेके आई हूँ, पत्ता गोभी है, घिया है, कॉर्न है, थोड़े से प्याज हैं, अरबी है, और शिमला मिर्च है, करेला है, हरी मिर्च है, और भिंडी है, थोड़ी थोड़ी ही लेके आई हूँ मैं इस बार। ये है आलू बुखारा, जो कि कुछ कल ईलू ने खा लिए 6-7, तो और एप्पल है और मैंगो है, तो बस इतना ही कुछ लेके आई हूँ। बीन्स हैं, तो बस इन्हें अब मैं धो करके विनेगर के पानी में धो करके पोंच करके फ्रिज में डाल दूँगी। बस पालक वगैरह मुझे नहीं मिले, क्योंकि मैं गई थी पालक वगैरह लेके आने के लिए, धनिया भी नहीं मिला, बट वहाँ पे मुझे मिला ही नहीं, तो बस यही सब लेके आई हूँ। अब मैं इन्हें बस अच्छे से धो करके साफ़ करके रख दूँगी फ्रिज में। ये आलू है, इन्हें मैं धो करके रख दूँगी, आलू को भी मैं धो करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी गीले हो रहे हैं तो मुझे धोना ही पड़ेगा। ये एप्पल है, ये छोटे छोटे एप्पल मैं लेके आती हूँ, क्योंकि इलू स्कूल में लेके जाती है फ्रूट, तो इस वजह से वो बोलती है छोटे एप्पल मम्मी लिया करो ताकि मैं खा पाऊँ, वरना फिर वो बड़ा वाला खा नहीं पाती और वेस्ट होता है। तो बस हरी मिर्च है, इन्हें भी धो करके डंठल तोड़ के, जैसे जब इन्हें धो लेंगे तो इस तरीके से मैं डंठल निकाल लेती हूँ और फिर रखती हूँ। इससे जो है ये काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती है। ये सारी जो वीडियो है मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जियों को धोना। सारी सब्जियां जो है वो धुल चुकी हैं, तो अब इन्हें पोंछ करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। थोड़ी देर इन्हें खुला छोड़ के इनकी नमी को हटने देंगे, उसके बाद फ्रिज में रखेंगे। तो चलिए अब सामान को ऑर्गेनाइज करने की बारी आ चुकी है, तो करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये है पुराना आटा। पहले मेरे पास पुराना आटा कुछ रखा था पिछले महीने का, वो मैं यूज लूंगी इस डब्बे में भरकर। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं न्यू आटा जो है इस पर भरूंगी। आप चाहें तो आटे को छान कर भी रख सकते हैं, बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं छान के नहीं रख रही हूँ, तो आप छान कर भी रख सकते हैं। और इस पॉलीथिन को भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इसे भी डस्टबिन में काम ले लेती हूँ। एक बड़ी चीनी की जैसे है, इनको भी फेंकती नहीं हूँ, बाद में एक बहुत काम आती है, इस वजह से इन्हें भी नहीं फेंकना चाहिए। और चीनी में हमें लौंग डाल करके रख देनी चाहिए ताकि चीनी के डब्बे में चींटियां ना आए, तो इसमें मैं कुछ लौंग डाल करके रख दूंगी। ये देखिए कुछ लौंग हमें डाल करके इसमें रख देनी चाहिए, इससे चीनी के डब्बे में चींटियां नहीं लगती हैं। फ्रेंड्स वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में कि दालों को जब हम नया सामान लाएं तो पुराने सामान को एक बार इस तरीके से प्लेट में निकाल देना चाहिए और फिर इन्हें धूप लगा देनी चाहिए, फिर डब्बों को पोंछ लेना चाहिए या धो लेना चाहिए, उसके बाद नई दाल भरनी चाहिए और फिर पुरानी दाल भरनी चाहिए और फिर लौंग या तेज पत्ता डाल देना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, ये मैंने ऐसे निकाल लेना चाहिए, फिर इसे धूप लगा दीजिए, फिर डब्बों को पोंछ लीजिए, उसके बाद ही नया सामान भरिएगा। मैं इस तरीके से करती हूँ, आप लोग किस तरीके से करते हैं मुझे ये नहीं पता। कुछ सजेशंस हो आपके पास, कोई न्यू आइडियाज हो तो वो आप मुझे दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट ये वीडियो मैं एक बार फिर से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दीपिका जी ने मुझे बोला था। तो ये जैसे ये साफ हो गया डब्बा, अब ये मूंग की दाल है, मैं इसमें पहले नई वाली भरूंगी उसके बाद पुरानी वाली भरूंगी ताकि जो पुरानी वाली दाल है वो पहले यूज आ जाए। और कीड़े लगे देखिए इस तरीके से पहले हमें नई दालों को भरना है, उसके बाद इसके ऊपर हमें पुरानी दाल को भर देना है। ये देखिए ताकि पुरानी वाली पहले ही उतर जाए। अब मैं इसमें कुछ लौंग डाल दूंगी, लौंग डालने से कीड़े नहीं पड़ते हैं दालों पे। तो ये देखिए कुछ लौंग मैं डाल करके डब्बे में रख दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमें दालों को भर करके इसमें लौंग डाल देनी चाहिए, इससे दालों पे कीड़े नहीं लगते हैं। इस तरीके से हमें दालों को प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं। आपके पास अगर लौंग ना हो तो आप तेज पत्ता भी डाल सकते हैं इस तरीके से, इससे भी कीड़े नहीं लगते हैं क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं और हमेशा भी हम इसी तरीके से दालों को कीड़ों के लगने से बचा सकते हैं। तो इस महीने मैंने बस ये दो दालें मंगाई हैं, ये मेरी पिछली दालें रखी हैं, तो पहले मैंने इन्हें भी चेक कर लिया कहीं इनमें कीड़े तो नहीं पड़ गए, तो मैंने थोड़ी सी लौंग और एक एक तेज पत्ता और डाल दिया है क्योंकि इस महीने मेरे काफ़ी सामान काफ़ी हद तक मेरे पास था, तो मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाया, बस ये दो दालें मेरे पास नहीं थी मूंग की और अरहर की, तो बस ये दो मंगवाई हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से हम सामान आने पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उतना ही सामान हमें मंगवाना चाहिए जितना सामान एक महीने में यूज़ आ जाए। और अगर बल्क में मंगवा रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो इस तरीके से हम सेव कर सकते हैं उन्हें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी अगर आपने मंगवाया तो आप लौंग और तेज पत्ता वगैरह डाल के दालों को कीड़े लगने से बचा सकते हैं। तो अब देखिए अब आती है राजमा और छोले की बारी। काले चने में रिलायंस फ्रेश से लेकर आती हूँ तो वो अभी मेरे पास नहीं है, शाम को मैं आपको बता दूँगी। राजमा और छोले भी मैं इस तरीके से डब्बों में भर देती हूँ और इनमें भी लौंग डाल करके कुछ, और फिर मैं फ्रीज़र या फ्रिज में ही रखती हूँ, इससे इनमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो इस तरीके से लौंग डाल करके आप फ्रीज़र या फ्रिज में इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मूंगफली गोटा को भी मैं ऐसे ही करूँगी, पहले न्यू वाला भर दूँगी, फिर ये पुराना वाला भरूँगी और फिर लौंग डाल दूँगी। और ऐसा हो कि आपके डब्बे में नहीं आ रहा और ज़्यादा क्वान्टिटी में आपके पास सामान हो तो इस तरीके से आप फोल्ड करके स्टेपलर करके और किसी 10 या 15 केजी वाला कोई डब्बा हो तो उसमें जो बाकी बचा हुआ सामान हो उसे रख सकते हैं, या फिर आपके किचन में शेल्फ हो या ड्रॉर्स हो तो उसमें आप रख सकते हैं। बट मेरी किचन जो है वो नॉन मॉड्यूलर है तो मुझे डब्बों में डाल करके रखना पड़ता है, बड़े वाले डब्बों में, तो वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं इसे भर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं राजमा छोले और काले चने जो होते हैं उन्हें इस तरीके से फ्रीज़र में मेरे जगह है तो मैं रख देती हूँ, आप चाहें तो फ्रीज में भी रख सकते हैं।
ये देखिए दलिया को भी मैं ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ। अब ये ड्राई रोस्ट वाला ख़त्म होने वाला है तो कुछ मेरे पास और रखा है बिना ड्राई रोस्ट किया हुआ, तो इसे भी आज मैं ड्राई रोस्ट करके इस डब्बे में भर के रख दूँगी। ये है बेसन, बेसन लास्ट महीने का कुछ मेरे पास रखा है तो पहले मैं इसे यूज़ लूँगी और तब तक मैं न्यू वाले बेसन को यहाँ रख दूँगी ताकि इसमें फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि इसमें कीड़े ना। तो ये देखिए मैदा हुआ, सूजी हुई, दलिया हुआ, इसे ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ और ये है बेसन। ये सब मैं फ्रीज़र या फ्रिज में ही रखती हूँ। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं लौंग और डालकर बाहर भी इन्हें अच्छे से रख सकूँ बिना कीड़ों के, बिना लट्टों के, बट मैंने काफ़ी ट्राई किया बट नहीं हो पाया। तो जब इन्हें हम फ्रीज़र या फ्रिज में रखते हैं तभी ये सुरक्षित रहते हैं। अगर आपके पास कोई और टिप भी हो, कोई टिप्स हो इन्हें बिना फ्रिज या फ्रीज़र के रखने के, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं इन्हें जो है फ्रीज़र में ही रखती हूँ, इससे इनमें कभी भी लटे या कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सूजी हुआ, मैदा हुआ या दलिया हुआ इन्हें फ्रीज़र में या फ्रिज में ही रखती हूँ, इससे इनमें कीड़े नहीं पड़ते हैं और उतनी ही क्वांटिटी में लाती हूँ जो कि मुझे एक महीने या फिर दो महीने में मेरा सामान फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लाती हूँ इसीलिए ताकि सामान जो है ख़राब ना हो और पैसों का जो है बर्बादी ना हो। तो मैं इस तरीके से इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ, बचा के रखती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी फ्रीज़र या फ्रिज में ही रखती हूँ, इससे ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सारा सामान भर दिया है, उसके बाद भी अगर मेरा कुछ सामान ऐसा बचता है जो कि डब्बों में भरने के बाद भी बाकी बचा रहता है, बाहर एक्स्ट्रा होता है, तो ऐसे सामान को मैं ऐसी बड़ी बाल्टी जो है वो रखती हूँ, दो तीन उनमें डाल करके रखती हूँ। अभी तो मेरा आधा सामान आया है, आधी रिलायंस फ्रेश से और आना है, तो ये जो भी बाकी सामान बचा है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ऑयल जो है, ऑयल मैं ऐसे पैकेट्स वाले लेती हूँ, तो एक लीटर मैं ऑयल कंटेनर में निकाल के रखती हूँ। बाकी के जो ऑयल के जो पैकेट्स होते हैं वो मैं इस तरीके से इसमें डाल के रखती हूँ और बाकी जो भी बचा सामान होता है वो मैं इस तरीके से डाल देती हूँ। चूँकि मेरी किचन जो है वो नॉन मॉड्यूलर है और इतनी शेल्फ नहीं है उसमें, इस वजह से आपकी अगर किचन मॉड्यूलर हो तो आप उनके ड्रॉर्स में भी डाल के रख सकते हैं। तो मैंने ऐसी दो या तीन बाल्टियाँ खरीद रखी हैं जिसमें मैं एक्स्ट्रा सामान को डाल करके भर करके रख देती हूँ, जब वो ख़त्म होता है तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दलिया को ड्राई रोस्ट करके रख रही हूँ। मैं इसे पहले बता चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर से बता रही हूँ ताकि जिन्होंने नहीं देखी हो वो वीडियो वो देख ले, अभी पता चल जाए उन्हें। बाकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सब्जियों को साथ संभाल की और सामान की भी। इसे ड्राई रोस्ट करके थाली में निकाल करके सुखा करके फिर डब्बे में भरकर फ्रीजर में रख देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स दलिया जब तक भुनता है तब तक कल मेरे मन पे एक नया ख्याल आया था तो मैं वो करने जा रही हूँ कि कल मैंने सोचा था जब भी मैं महीने का सामान लेके आऊँगी तो कुछ उसमें से कुछ पार्ट जो है मैं निकाल करके और जो ज़रूरतमंद होगा उसे दे दूँगी। ऐसा करने से शायद उसके एक या दो टाइम का जो खाना है वो उसे मिल जाए, ऐसा करने से मुझे भी दान पुण्य मिलेगा। तो मैंने थोड़ा सा आटा निकालूँगी, थोड़ी मैंने चावल निकाल दिए, कुछ सब्जियाँ मैंने निकाल दी हैं और कुछ दालें मैं भी निकालूंगी, तो मिक्स दाल करके उन्हें दे दूंगी। दो दो मुट्ठी मैंने दालें निकाल दी क्योंकि मैं खुद ही ज़्यादा सामान नहीं लाती हूँ, तो ऐसे मैं उन्हें मिक्स कर दूंगी और फिर चाय, चीनी और ये सब, आटा और ये सब किसी ज़रूरतमंद को मैं दे दूंगी। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर मैं मुझे देखकर कोई ऐसा करना चाहे, किसी के दिमाग में ना हो ऐसा और वो करना चाहे तो उसे भी बहुत पुण्य मिलेगा और काफ़ी लोग ऐसा करते भी होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि कोई नहीं करता है बट काफ़ी लोग ऐसा करते होंगे जो बहुत बहुत दान पुण्य करते होंगे, बहुत सा सामान देते होंगे, बट मैं अब से शुरुआत कर रही हूँ तो मैं आपसे, मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। तो मैं इस तरीके से सामान निकाल करके जो है वो ज़रूरतमंदों को दे दूँगी। तो मैं कुछ चीनी भी निकाल देती हूँ। फ्रेंड्स मेरा रिलायंस फ्रेश वाला सामान भी आ चुका है। तो ये जैसे देखिए चावल है, तो चावल मैं 2 किलो ही लाती हूँ जितने मुझे काम में आते हैं, तो मैं ये डाल दूंगी डब्बे में। और
पोहा है, पोहा मैं आधा आधा केजी के 2 पैकेट लेके आती हूँ, तो 1 पैकेट का छोटे डब्बे में भर दूंगी, 1 जो बचेगा उसको मैं बड़ी वाली बाल्टी में रख दूंगी, जो मैंने आपको पहले बताया इतनी बड़ी बड़ी बाल्टी में लेके रखती हूँ, उसमें मैं एक्स्ट्रा सामान को डाल देती हूँ। जिनकी नॉन मॉड्यूलर किचन है वो इस तरीके से बाल्टियाँ लेके रख सकते हैं और एक्स्ट्रा सामान को उसमें डाल करके रख सकते हैं। तो बस इनमें भी मैं ये छोटे डब्बों में भर कर लौंग डाल करके रख देती हूँ। ये सब है मेरा सॉस वगैरह है वो फ्रिज में रखती हूँ। घी है, घी भी जितना मेरे थोड़ा डब्बे में निकाल लेती हूँ और फिर जो बाकी बचता है मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस ये सारा ईलू का सामान है, एक मैं बड़े डब्बे में रख देती हूँ ईलू का सामान। इस तरीके के डब्बे में मैगी वगैरह सब 2-3 डब्बे हैं उसमें मैं डाल के रख देती हूँ। तो ये देखिए चावल मैंने भर दिए हैं। 1 केजी चावल मैं थोड़े सस्ते वाले लाती हूँ डोसे के बैटर के लिए, तो बस वो भी मैं डालूंगी, जब मुझे यूज देने होंगे तभी मैं ये निकालूंगी खोलूंगी। इस डब्बे में मैंने ईलू के मैगी वगैरह डाल के रखती हूँ, बड़े सारे नूडल्स हुआ, चाउमीन हुई, ये कुछ ईलू सूप वगैरह लेके आती है वो डाल देती हूँ, ये चौकोज हुए ईलू के वो। तो ये देखिए रस्क मैंने इसमें भर के रख दिए, बिस्किट वगैरह इस डब्बे में रखूंगी, और ये सब जो चीज है बटर है और चना है काला, घी है, सॉस है, और ये सॉस है ये मैं फ्रिज में रखूंगी। ये सॉस मैं एक सॉस की बोतल में पहले छोटी बोतल में भर के रखती हूँ, बाकी का जो बचा होता है मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर वो उस बोतल में खत्म होता है तो फिर मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से बस मैं सामान को ऑर्गेनाइज करती हूँ। साबुन सर्फ वगैरह वो भी मैं उतना ही रखती हूँ जो 1 महीने में यूज आ जाए और खत्म हो जाए, तो बस उन्हें भी मैं बाथरूम में रख देती हूँ। पास जैसे डब्बे भी नहीं लाना चाहे या 10 केजी की बाल्टी वगैरह नहीं लाना चाहे, तो इस तरीके से जो सामान के साथ डब्बे आते हैं गत्ते के, वो कार्टन्स जो होते हैं उन पे भी सामान डाल करके रख सकते हैं। इन पे आप पहले पॉलीथीन बिछा लीजिए या फिर कोई कपड़ा लगा दीजिए और इसे अच्छा सा डेकोरेट कर दीजिए, इसके बाद आप इसमें सामान डाल के रख सकते। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा मैं जितना भी बताऊंगी तो लेंथी होती जाएगी, तो मैं जो सामान लेके आई उसमें आप मुझे जज मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ सामान हमारे पास लास्ट मंथ का भी रखा हुआ होता है, तो जो मेरे पास था मैं वो नहीं लेके आई, बस इतना ही लेके आई हूँ। तो प्लीज़ गाइस जज मत कीजिएगा ये लाई ये नहीं लाई। तो और अगर मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल या यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी YouTube फैमिली के मेंबर ज़रूर बन जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और बेल आइकन पे भी ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट ब्लॉग की अभी मैं तैयारी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो बाय, लव यू ऑल।